बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने लास्ट वीक में कॉस्ट क्लासिफिकेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। कॉस्ट बिहेवियर हमने पढ़ना शुरू किया था, 2 दिन हमने उसको पढ़ा। हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देन स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट एंड स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चंस में मैंने अभी देखा, एक बच्चे ने रिक्वायर किया है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ रिपीट कर दें। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज पर डेफिनेशन एक ऐसी चीज थी जिसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। हमने सबसे पहले जब ग्राफ समझे तो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल का ग्राफ समझा। ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसी के नीचे वेरिएबल कॉस्ट जो ओरिजिन से शुरू हुई है, एक स्लोप है, वो आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इन दोनों लाइंस को डिपिक्ट कराना है एक नए ग्राफ में, तो ये सेमी वेरिएबल बन जाएंगी अगर ये दोनों इकट्ठी हो जाए। तो ये सेमी वेरिएबल का पहली टाइप का ग्राफ है, यानी ये कैसा ग्राफ है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, स्लोप है, लेकिन वो स्लोप अबव द ओरिजिन जाके टच कर रही है, जिसको मैंने ए पॉइंट कहा था। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ की एक टाइप आ गई जिसमें फिक्स पोर्शन भी नजर आ रहा है, वेरिएबल पोर्शन भी नजर आ रहा है। इसी तरह ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले वेरिएबल हो हेलो जी। सेमी वेरी हमारा जो आज का लेक्चर है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, और इसका एक और नाम हो सकता है मिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ हिस्सा फिक्स्ड है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसके अंदर, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर आपको वो टेलीफोन वाली एग्जाम्पल याद हो, PTCL वाली, तो हमने जनवरी के महीने का बिल ऐसे बनाया था कि 500 का लाइन रेंट है जो कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और जनवरी में उसने 100 मिनट्स कॉल की और पर मिनट कॉल चार्जेस 2 थे।
500 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, 200 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और 700 इज द टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह अगर हम फरवरी को देखें, पीटीसीएल का बिल फरवरी में, वही पुरानी एग्जांपल, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द रेट इज 2 पर। सो दिस इक्वेशन बना ली कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हुआ करेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन ना चाहूं अस्सलाम वालेकुम। आज नेट की वजह से शायद मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, होप सो कि अब आवाज़ ठीक होगी। हमने जनवरी और फरवरी की एक पुरानी एग्जांपल पीटीसीएल के बिल की डिस्कस की है कि फिक्स्ड कॉस्ट लाइन रेंट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट उसके कॉल चार्जेस थे। अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक फॉर्मूला बना दूं, तो वो ये बनेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैं आपको ये एब्रीवेशन समझाने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये सम है a प्लस बी एक्स का, दिस इज वन पोर्शन एंड दिस इज अनदर पोर्शन। y विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस, A will be total fixed cost. B is variable cost per unit. And X will be activity level. अगर हम इसी above data में एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में प्रिडिक्ट करें कि ये जो पीटीसीएल का बिल है ये हमेशा बना करेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रुपीस 2 इज द वेरिएबल कॉस्ट इनटू एक्स, एक्स इज द एक्टिविटी लेवल, पीटीसीएल के लिए वो नंबर ऑफ मिनट्स हैं। तो अगर हम देखें तो जनवरी के महीने का बिल कैसे बनेगा, 500 प्लस 2 into x is 100, this will be 500 plus 200, answer is rupees 700. For February we use that standard equation, y is equal to a plus bx again, a is the line rent 500 fixed cost, b is the variable per unit and x is the 200 minutes, the answer will be 900. तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
इसको हम नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या हैं कि वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बना लेती हैं कि हमारी फैक्ट्री में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है और कितने यूनिट्स हम बनाएंगे। तो हम इस फॉर्मूला को, इस फंक्शन को यूज किया करेंगे टू प्रिडिक्ट कॉस्ट इन फ्यूचर। इस चीज को टेक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टर्म में कहते हैं कॉस्ट फोरकास्ट। जिस तरह वेदर फोरकास्ट आपने नाम सुना होगा कि मौसम को हम फोरकास्ट कर लेते हैं, बारिश किस दिन होगी, क्या होगा, तो वो भी फोरकास्टिंग इज अ प्रिडिक्शन। सो द कॉस्ट फोरकास्ट इज वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट कॉस्ट इन फ्यूचर। तो जब भी हमने कुछ प्रिडिक्ट करना होता है, कुछ फ्यूचर के बारे में बताना होता है, तो हमेशा हम जो डाटा यूज करते हैं दैट बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। जैसे आपने अगर वेदर की कंडीशंस को देखा है तो उस सॉफ्टवेयर ने भी पास्ट डाटा को ऑब्जर्व किया है। तो इसी तरह अगर हमारे पास फैक्ट्री का एक पास्ट डाटा दिया हो, उस पास्ट डाटा को देखते हुए वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। तो इस चीज को फोरकास्ट कहते हैं। सो अवर टूडेज टॉपिक इज कॉस्ट फोरकास्ट। अब जब हमने फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए कोई मेथड होना चाहिए। अब हम उन मेथड्स की बात करते हैं। देर आर थ्री मेथड्स इन योर सिलेबस। द नंबर वन मेथड इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ये पहला मेथड है जिससे हम ये काम करेंगे फोरकास्टिंग। सेकंड, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। वैसे तो आपने बिजनेस मैथ में पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब हमारा ये टॉपिक आएगा। तीसरी चीज जो है वो है जी स्कैटर्ड ग्राफ। इन तीन तरीकों से हमने कॉस्ट को फोरकास्ट करना इस फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लर्न करना है। सो अवर टूडेज मेन टॉपिक इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। आपने इस मेथड को इसके नाम से ही याद रखना है। जैसे मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूं, हर चीज को उसके नाम में ही, उसके बारे में हर चीज छुपी हुई है। जैसे फोरकास्ट प्रिडिक्शन, कॉस्ट फोरकास्ट, कॉस्ट को बताएंगे, कॉस्ट को प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर कल को यूनिट इतने हो गए तो कॉस्ट क्या है। मसलन एक यूजर मार्च के महीने में अगर 400 मिनट कॉल करे तो उसका बिल कितना बनेगा, तो ये फोरकास्ट हो जाएगा। इसी तरह हाई एंड लो पॉइंट मेथड, मैंने बताया कि आपको पास्ट डाटा दिया होगा, आपने उस पास्ट डाटा में से हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। यानी आपने उस डाटा में से एक हाईएस्ट पॉइंट और एक लोएस्ट पॉइंट। अब जो डाटा आपको दिया जाएगा वो डाटा होगा क्या, वो डाटा या तो कॉस्ट का होगा और उसके साथ आपको एक्टिविटी लेवल दिया जाएगा कि अगर इतने यूनिट्स हैं तो इतनी कॉस्ट है। मसलन हमारी वो जो जनवरी फरवरी वाली एग्जांपल है, जनवरी में हमने 100 मिनट्स कॉल की तो हमारा आंसर आया था कॉस्ट का 700, फरवरी में हमने 200 मिनट्स कॉल की तो आंसर आ गया 900। तो यहाँ डाटा ही दो है, तो एक हाई है एक लो है। अब मैं अपनी तरफ से एक और डाटा सपोज कर लेता हूँ, लेट्स से देयर इज 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स पे आपकी जो कॉस्ट बनेगी लेट से 1100। अब तीन डाटा हो गए हमारे पास। अब हमने इस डाटा में से हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लेना है। अब स्टूडेंट में कंफ्यूजन ये आती है कि वो हाईएस्ट और लोएस्ट किस में देखे, कॉस्ट में देखे या एक्टिविटी लेवल में देखे। तो अब गौर से सुन लें, आपने हाई एंड लो पॉइंट हमेशा एक्टिविटी लेवल से देखना है।
इस चीज का आपने हाई और लो देखना है। कॉस्ट का हाई लो बिल्कुल नहीं देखना, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है पॉइंट, पॉइंट रेफरेंस टू एक्टिविटी लेवल। और इसकी जो मेन लॉजिक है वो यही है कि एक्टिविटी लेवल इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एंगल से आपने ये बात जो इंडिपेंडेंट हुआ करेगा। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो मिनट्स हैं, मिनट कॉल होती है तो पैसे कॉल चार्जेस डिडक्ट होते हैं या चार्ज होते हैं, तो सो मिनट्स आर इंडिपेंडेंट। तो जो चीज इंडिपेंडेंट हुआ करेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हाई लो मेथड देखना है, डिपेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो होप्स हो कि आपसे ये गलती नहीं होगी। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप था, अब मैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड ब्रीफ कर रहा हूं। तो हाई एंड लो में जो स्टेप वन है, स्टेप वन आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। आपने एक्टिविटी लेवल के एंगल से चेक करना है हाई और लो। तो अगर इस डाटा को देखें तो एक्टिविटी लेवल सबसे छोटा ये है, तो ये लो लेवल बन गया। सबसे बड़ा एक्टिविटी लेवल वो ये हो गया हाई। और इसके अलावा 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, 40 हैं, जितनी भी हैं इग्नोर देम। आपने सिर्फ दो पॉइंट्स को अब कंसीडर करने हैं, हाई को और लो को। इसीलिए इसका नाम है हाई एंड लो मेथड। तो पहला स्टेप हाई और लो मेथड को आइडेंटिफाई किया। अब मैं अगली बात लिख रहा हूं, एंड देयर कॉस्ट। तो इन लेवल्स पे कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई फौरन कर लें। यानी 300 पे कितनी कॉस्ट है, 1100। 100 पे कितनी कॉस्ट है, 700। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 मिनट्स कॉल होती है तो टोटल कॉस्ट बनती है 700। अगर 300 मिनट कॉल होती है तो टोटल कॉस्ट बनती है 1100। तो 700 और 1100 में डिफरेंस है कितना, 400 का। ये जो डिफरेंस आया, ये जो 400 रुपए का बिल में फर्क पड़ा, ये 400 रुपए का फर्क इसलिए पड़ा कि आपने 200 मिनट एक्स्ट्रा कॉल्स की। सो हेयर इज द चेंज इन एक्टिविटी लेवल एंड हेयर इज द चेंज इन कॉस्ट। तो अगर एक्टिविटी लेवल से कॉस्ट चेंज हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमें यहां से एक हिंट मिल गया कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो स्टेप टू जो है वो यही है, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट, फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किस तरह, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट एट हाईएस्ट या हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल माइनस लो लेवल। यानी हाई लेवल कितना है, 300, माइनस लो लेवल इज 100, कॉस्ट एट हाई लेवल इज 1100, कॉस्ट एट लो लेवल इज 700। इट मींस 400 डिवाइडेड बाय 200, आंसर इज रुपीज 2 पर मिनट। ये कैसे पर मिनट आया, बिकॉज दिस इज रुपीज एंड 200 इज मिनट्स, सो द आंसर इज रुपीज 2 पर मिनट। तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि ये जो कॉस्ट में चेंज आया था 400 का, 700 से 1100 हुई कॉस्ट, वो कॉस्ट में जो चेंज आया दैट इज ड्यू टू चेंज इन मिनट्स। तो वो पर मिनट हमें पता चल गया। अब जब पर मिनट पता चल गया तो स्टेप थ्री में हमने फोरकास्ट कर लिया, सॉरी फाइंड आउट कर लिया फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला समझा के आया हूं
वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसकी कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, हमने वेरिएबल कॉस्ट जो फाइंड की उसे बी का नाम दिया था, ए हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कहा था और ये बी आ गया टू। अब एक्स क्या लेना है, मैं आपको डाटा पे लेके जाता हूं। ये हमारा डाटा है, हमने एक्टिविटी लेवल को एक्स कहा होता है। अब मैंने आपको बताया चंद मिनट पहले कि आपने डाटा में से अब सिर्फ हाई और लो को लेना है, अदर देन हाई लो और कंसिडरेशन नहीं करनी। तो मेरी मर्जी है कि मैं एक्स 300 ले लूं या 100 ले लूं, कुछ भी ले सकते हैं। हाई लेवल को भी रखा जा सकता है एक्स और लो लेवल को भी एक्स रखा जा सकता है। इसका मतलब है अगर मैंने 300 लिया तो वाई किस चीज को शो करता था उस रिलेशनशिप में? वाई शो करता था सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। तो 300 पे आपकी कॉस्ट कितनी है? 1100। सो वाई इज 1100, वाई इज 1100। तो अगर आपने एक्स 100 लिखा होता देन आपने वाई 700 लिखना था। लाइक विद लाइक, जिस लेवल की एक्टिविटी पुट कर रहे हो उसी लेवल की कॉस्ट लिखनी है। यहां से हम सॉल्व करते हैं, ए 1100 इज इक्वल टू ए प्लस 600। तो 1100 में से 600 हम लेस करें तो ये ए आ जाएगा। तो ए का आंसर क्या आया? 500। और ए किसे कहा था? फिक्स्ड कॉस्ट को। और अगर हम ओरिजिनल डाटा पे चले जाएं तो ओरिजिनल डाटा में क्या फिक्स्ड कॉस्ट 500 ही थी, क्या वेरिएबल कॉस्ट 2 ही थी? तो हमने फाइंड करके वेरीफाई भी कर लिया। तो जब हमने हाई लो मेथड में करना क्या होगा कि एक पास्ट डाटा है, उस पास्ट डाटा को हम आइडेंटिफाई करेंगे हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल और उनकी कॉस्ट। सेकंड स्टेप पे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करेंगे। एंड द स्टेप 4 इज प्रिपेयर और कंस्ट्रक्ट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन, कि आप अपनी कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना दें जैसे मैंने पहले बनाया था। और स्टैंडर्ड फंक्शन अगेन वही चीज है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो द आंसर ऑफ ए इज 500, द आंसर ऑफ बी इज 2, एंड दिस फंक्शन विल बी यूज्ड व्हाइल जनरेटिंग द यूटिलिटी बिल ऑफ ऑल कस्टमर्स फॉर ऑल मंथ्स इन पीटीसीएल। तो एक दफा हमने ये फंक्शन बना के फीड कर दिया, अब जिस कस्टमर के जितने मिनट्स होंगे वो ऑटोमेटिकल सॉफ्टवेयर उसको पिक करता जाएगा, बिल जनरेट होता जाएगा। तो ये आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने उनको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बना के दे दिया। देन स्टेप 5, फोरकास्ट, यानी प्रिडिक्ट कर लें, फोरकास्ट और कैलकुलेट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स बाय यूजिंग दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 500 प्लस 2x। अब एक बंदा कहता है कि अगर मैं 350 मिनट्स कॉल करूं तो मेरा कितना बिल बनेगा? तो 2 इनटू 350 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1200 हो जाएगा जी इसका बिल, तो उसको पता चल गया। तो ये हमारी कॉस्ट फोरकास्ट हो गई। तो मैंने कहां से स्टार्ट किया था? टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ कॉस्ट इन फ्यूचर, इसको कॉस्ट फोरकास्ट कहते हैं। और पहला मेथड हाई लो मेथड है, ये मैंने आपको समझा दिया है, यही सारी चीज हैंडआउट्स में भी दी हुई है। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, एक एग्जांपल और करेंगे ताकि आइडिया मजीद क्लियर हो जाए जी। तो पहला मेथड हाई लो मेथड है, पेज नंबर 11 ऑफ द हैंडआउट्स यही है, कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट फोरकास्ट। ये सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ कि तीन मेथड हैं। हाई लो मेथड में स्टेप 1 बता दिया, देन वेरिएबल कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज इन अ गुड फॉर्मेट,
स्टेप देन स्टेप थ्री फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर एक एक्टिविटी आ गई। अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं जी। हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन लेवल दिए हुए हैं, यूनिट्स और कॉस्ट। सबसे पहला काम, एक्टिविटी लेवल किसे कहना है, कॉस्ट को या यूनिट्स को, जो चीज इंडिपेंडेंट है। सो एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि एमसीक्यू पेपर है ना, तो जरूरी नहीं है वो इतना लंबी कैलकुलेशन करवाए, वो आपसे तो छोटी छोटी चीजें पूछेगा, तो वो डाटा दे के सिर्फ एक वेरिएबल कॉस्ट पूछ सकता है। तो अब रूल कौन सा लगेगा, क्या रिग्रेशन या स्कैटर्ड ग्राफ, कुछ नहीं बताया। थ्रू आउट द सीएमए क्वालिफिकेशन याद रखिएगा, जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से करने हैं, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है, जब भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से अलग-अलग करने हैं, आपको मेथड ना बताए पूरे थ्रू आउट द सीएमए क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, एसएमए हो गई, कहीं भी, आपने हमेशा हाई लो मेथड यूज करना है। जब भी हाई लो मेथड के अलावा कोई मेथड डिमांड करेगा एग्जामिनर, तो वो मेंशन करेगा रिग्रेशन से कर दे, मुझे स्कैटर्ड ग्राफ से कर दे, कोई और टेक्निक भी आप फ्यूचर में पढ़ सकते हैं। तो व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, बी श्योर दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ हाई लो मेथड। अभी तक यहाँ पे हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ये बता पूछता है, कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दें। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। तो हाई लो मेथड में पहला स्टेप ही ये था कि इस डाटा में से हाई और लो एक्टिविटी डिफाइन कर लें। हाई एक्टिविटी 400, लोएस्ट एक्टिविटी इज 200, पहला स्टेप, एंड देयर कॉस्ट, और बाकी डाटा को भूल जाए, समझे वो है ही नहीं। और स्टेप टू कहता था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, कॉस्ट एट हाई लेवल 9000 माइनस कॉस्ट एट लो लेवल, बेसिकली दिस इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, 400 माइनस 200, व्हाट इज द आंसर, जी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं खुद से कर सकता हूं लेकिन मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। टेन, मैं सपोज कर रहा हूं आपने सही किया है, ठीक है, रुपीज 10। तो आंसर आ गया, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कितनी देर लगी, एमसीक्यूज, यही फायदा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर पे जुबानी भी हो सकता है, ये कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं करनी, बट अभी आपका स्टार्ट है, आप जो भी सवाल करें आप उसे 100% वर्किंग के साथ करें। इसका फायदा एक ये भी होगा कि जब आप सीबीज के बाद मैनुअल पेपर की तरफ जाएंगे, रिटन एग्जाम की तरफ, तो आपको लिखना भी आता होगा। अच्छा, बी पार्ट में कहता है फाइंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड किया, दिस इज पर यूनिट, अब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए फाइंड करना है, बी इज 10। अब एक्स जरा रिकॉल कीजिए कि किसको लेना है, शाबाश, इन दोनों में से किसी एक को, या लो को या हाई को। तो पिछले सवाल में हमने हाई को लिया था, इस सवाल में हम लो को ले लेते हैं, 200। अगर हमने 200 लिया तो हमने वाई किसे रखना है, इसी की कॉस्ट को। तो यहां से हम ए का आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ₹5,000। अच्छा, अब आपको मैं एक और टिप बताने लगा हूं। जो एग्जामिनर
ट्रिक के तौर पे पेपर में यूज करता है। अब इस कॉस्ट के साथ उसने ये नहीं बताया कि कॉस्ट मंथली है या एनुअली है। बात गौर से सुनिएगा, अगर ये डाटा मंथली है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये डाटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कहीं लिखा है कि ये मंथली कॉस्ट है, देन दिस विल बी कॉस्ट पर मंथ। अगर ये एनुअल डाटा होता तो कॉस्ट इज पर एनम, पर एनुअल। अब एग्जामिनर करता क्या है कि डाटा दे देता है मंथली में और स्टूडेंट को कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट पर एनम। अब स्टूडेंट ने रटा होता है, जी ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, जो आंसर आया वो वही वहां पे टिक कर देता है 5000। अब एग्जामिनर ने पूछा था मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बताएं एनुअल में, और आपने कौन सी लिख दी पर मंथ वाली, तो क्या जवाब सही होगा? अब स्टूडेंट एग्जामिनर से एग्जाम से बाहर आके कहता है मैं तो बिल्कुल सही करके आया हूं, तो मेरे तो सारे सवाल सही हैं, मैंने तो कैलकुलेशन की है। बी कंसंट्रेटेड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर ये मंथली डाटा है द आंसर विल बी पर मंथ। और अगर एग्जामिनर ने आपको एमसीक्यूज में ट्रिकी क्वेश्चन बना के दिया तो वो कहेगा फिक्स्ड कॉस्ट एनुअल में बताएं। अब हम सबको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो इसे 12 से ज़रब दे दें तो वो आपकी एनुअल कॉस्ट बन जाएगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, हमने एग्जामिनर के इस तरह की बातों में फंसना नहीं है। तो अगर हमें एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो वो हम क्या करेंगे, 5000 को 12 से ज़रब दे देंगे, तो ये एनुअल कॉस्ट का आंसर 60000 हो जाएगा। और अगर यही डाटा एनुअल होता तो ये आंसर 5000 सालाना था, और फिर वो ट्रिक यूज कर सकता है मुझे मंथली बता दे, तो फिर हमें डिवाइड करना होगा। खैर इस तरह के ट्रिक अभी एमसीक्यू जब हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे तो उसमें हमें नजर आ जाएंगे। तो अभी हमने ए पार्ट बी पार्ट कर लिया, अब सी पार्ट क्या कहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बना दो भैया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए फिक्स्ड कॉस्ट 5000, what is b 10, so this is standard cost function, this is part c, then estimate the total cost if 350 units are produced, d part, y is equal to 5000 plus 10 into 350, to ye answer I think 8500 banta hai, calculate kar lijiyega। होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया है। ई पार्ट आपने खुद से करना है, कुछ लोगों ने तो जुबानी कर भी लिया होगा, बल्कि मुझे कमेंट बॉक्स में ई ऑप्शन का आंसर बताएं। जी शाबाश, 11000 सबका आंसर आ रहा है, तो मैंने सपोज कर लिया कि सबने कैलकुलेटर सही इस्तेमाल किया है। ओके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज 12 पे। इस एक्टिविटी को आपने अगेन के देखना है, यहाँ पे वो ट्रिक है 26 यूनिट बनाता है तो कॉस्ट ये है, 30 यूनिट बनाता है तो कॉस्ट ये है, 33 पे इतनी है, 44 पे ये कॉस्ट है, 48 पे इतनी है, 50 पे इतनी कॉस्ट है। कहता है यूजिंग द हाइलो मेथड एनालाइज द टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। हमने इसका फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट निकालना है, जस्ट इतना काम करना है, इसमें कोई और मैंने रिक्वायरमेंट ऐड नहीं की। अच्छा अगर हम यूनिट्स को देखें तो सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं 50,
और सबसे ज्यादा हाई लो जो है वो 26 है। स्टेप वन कहता है कि यूनिट्स आइडेंटिफाई करो और उनकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो। कर ली। अब जिस स्टूडेंट ने इसको गलत पिक कर लिया कि मैंने हाई और लो कॉस्ट देखनी थी, तो आप जरा देखिए कि 50 यूनिट पे कॉस्ट है 7310 और 48 पे कॉस्ट है 7380, तो उसने ये रॉन्ग सिलेक्शन कर लेनी थी अगर वो कॉस्ट को देखता। तो ऐसा एग्जाम क्वेश्चन में भी हो सकता है कि वो छोटे यूनिट पे बड़ी कॉस्ट दे दे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट पे पक्के रहना है कि मुझे यूनिट्स लो और हाई देखना है और उनके सामने जो कॉस्ट है मैंने सिर्फ उन्हें ही देखना है, उनके अलावा जो दिया हुआ वो मेरे लिए है ही नहीं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये सोच सकता है, कुछ लोग होते हैं ना वॉन्डरिंग करते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है यार, 48 पे ज्यादा कॉस्ट है 50 पे कम है। तो आपने इस सोच में नहीं पढ़ना, ये आपका मसला नहीं है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि हो सकता है कि जब 48 यूनिट बने थे तब रेट चीजों का और था, अब सस्ती हो गई है, जैसे पेट्रोल है हर महीने रेट चेंज होता है। तो आपने इस झंझट में नहीं फंसना, इस कंफ्यूजन में नहीं आना, आपने हमेशा हाई और लो यूनिट्स देखने हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट हुआ करेगा उसका हाई और लो लेवल देखना है और उन्हीं के सामने की कॉस्ट देखा करनी है, बाकी पे आंखें बंद कर लेनी है। ये डाटा हमारे लिए है ही नहीं, ये हमें हमारे किसी काम का डाटा नहीं है, हमने सिर्फ अपने इन्हीं दो लेवल्स पे फोकस करना है, इधर से यूनिट्स पे, इधर से कॉस्ट पे। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये सवाल आपने खुद से हल करना है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा। इसका आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट का भी लिखा हुआ है, मेथड आपको बता चुके हैं, तो ये आपने खुद से करना है। अच्छा, यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से अब आप पूछें, वरना मैं इसमें एक और नई बात बताने जा रहा हूं। जी बच्चों पूछें। माशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका एक मतलब है कि सबको समझ आ गई है और एक मतलब है कि समझ किसी को नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आई है। ओके, ये जो एक्टिविटी 8 है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जी, हाई लो मेथड विद स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब तक जो मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने ये अजम्पशन ली हुई थी कि ना स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है ना ही स्टेप वेरिएबल है, यानी प्रैक्टिकली किसी भी फैक्ट्री में स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी कर रहा हूं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट के हवाले से। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट थी जो फिक्स्ड की टाइप है लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ जाती है, तो उसे स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते थे। अब इस एक्टिविटी 8 में स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का सिनेरियो आ गया। अब आपने इसे गौर से सुनना है, देखना भी है स्क्रीन पे। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट, 4000 यूनिट पे ये कॉस्ट है, 6000 पे इतनी है, 7500 पे इतनी कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज, यानी वेरिएबल कॉस्ट में कोई स्टेप नहीं है। एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट when activity level exceeds 5500 units,
यानी जैसे ही ये फैक्ट्री 5500 यूनिट से ज्यादा की प्रोडक्शन पे जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी. देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल ऑफ 5000 पे कॉस्ट क्या है? पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को बना लें, हम इस डाटा को समझ लें. हमने 5000 यूनिट ये भी बता दिया तरीका कौन सा यूज होना है, हाई लो मेथड यूज होना है. अब हाई लो पे अगर चलते तो स्क्रीन पे देखें सारे, 4000 लो लेवल है, 7500 हाई लेवल है. अगर तो स्टेप ना होता तो ये सही था, लेकिन गौर से सुनिएगा, 4000 वो लेवल है जो 5500 से छोटा है और 7500 वो लेवल है जो 5500 के बाद है. इसका मतलब है कि 7500 पे जी ये जो कॉस्ट आई है, ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ने के बाद इसमें ऐड है, और 4000 पे जो कॉस्ट है वो बगैर स्टेप के इफेक्ट के है. तो ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है. मुझे या तो वो लेवल चाहिए जिन दोनों में स्टेप ना हो, या वो दो लेवल चाहिए जिन दोनों में स्टेप हो. मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने. मुझे वो वाला हाई और लो लेवल चाहिए जिसमें के अंदर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो या दोनों में स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड ना हो. तो इन तीन डाटा में से मेरे पास दो लेवल ऐसे हैं जिन दोनों में स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड है. सो दिस इज द लो लेवल, दिस इज द हाई लेवल. 4000 को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो हमारे डाटा में सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, लाइक विद लाइक नहीं है. तो स्टूडेंट यहां कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करता है तो पहली गलती कर लेता है जो नहीं करना चाहिए था, या हाई लेवल वो सिलेक्ट कर लेता है जो नहीं होना चाहिए था. तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने दोनों लेवल सेम लेने हैं जिनमें दोनों के अंदर स्टेप का इंपैक्ट आ रहा हो या दोनों के अंदर ना आ रहा हो. क्योंकि 5500 के बाद स्टेप आ गया तो 6000 के अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट शामिल हो गई, 7500 में भी हुई हुई है. तो हमने ये दो लेवल लेने हैं. तो जब हमने ये दो लेवल लिए, इन्हीं की कॉस्ट ली, अब आप कैलकुलेशन देखिएगा जी, बल्कि इसी के सामने ही कर लेते हैं. सबसे पहला काम था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा काम था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो दोनों कॉस्ट का डिफरेंस ले लें, 54800 माइनस 50,000. डिवाइडेड बाय 7500 माइनस 6000. दिस इज 4800 डिवाइडेड बाय 1500. मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में. थ्री पॉइंट टू आ गया जी वेरिएबल कॉस्ट. कमेंट बॉक्स में मुझे एक दो चीजें आई हुई है, मैं उनको आंसर करता हूँ. वो मैंने वैसे भी आंसर करनी थी, अगर आप ना भी पूछते मैं बताता हूँ जी. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3.2, फिक्स्ड कॉस्ट y इज इक्वल टू a प्लस bx. a फाइंड करना, b 3.2,
एक्स, इन दोनों में से कोई भी, 6,000 टोटल कॉस्ट, 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर बता दें। अलेवन थाउजेंड, ओके जी, मुझे एक आंसर आ गया है 11,000 जी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कैलकुलेशन सही है। फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, अब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बना सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, 11,000 प्लस 3.2 एक्स इज इक्वल टू वाई। अब उससे भी इम्पोर्टेंट बात आ गई है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने वो लेवल सेलेक्ट किए जो मैंने वो दो लेवल सेलेक्ट किए जो स्टेप के बाद के थे, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर आया, ये वो कॉस्ट है जिसके अंदर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट शामिल है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, सारे बच्चे ध्यान से सुनने, मैंने वो दो लेवल सेलेक्ट किए जो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करके आए थे, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आई ये इंक्लूसिव ऑफ स्टेप है, ये स्टेप कॉस्ट शामिल करके आई है। अच्छा, अब मैं फोरकास्टिंग के लिए मैंने मॉडल भी बना लिया 11,000 प्लस 3.2 x, लेकिन ये मॉडल उनके लिए यूज होगा जो अबव 5,500 यूनिट्स होंगे, ये उनके लिए सूट है क्योंकि इसके अंदर स्टेप का इंपैक्ट शामिल है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने तो पूछा 5,000 के भाई बताओ, 5,000 ने तो हमसे वो डिमांड की है जो इस लेवल से नीचे है, तो इसका मतलब है अगर मैंने इसमें एक्स की जगह 5,000 पुट कर दिया तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन में वो आंसर होगा लेकिन गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो मुझे अपने पैर कितनी थी स्क्रीन पे देखिएगा, जो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है वो बराबर होती है ओरिजिनल फिक्स्ड के स्टेप, अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टेप फी कॉस्ट 11,000 है, हमें उसने ना ओरिजिनल बताई है ना ही अमाउंट बताई है, हम सपोज कर लें कि एक्स है वो। अब क्वेश्चन कहता है कि 5,500 के बाद कॉस्ट 10% बढ़ेगी, किसका 10% होगा? अब हो सकता है आप कहें कि 11,000 का, नहीं, जब भी हो और साइलेंट हो कि किस चीज की परसेंटेज है तो अंडरस्टूड है ओरिजिनल अमाउंट की, तो मींस 10% ऑफ एक्स, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स, तो ये 11,000। अब यहां से एक्स
जी, तो ये एक्स का आंसर 10,000 आ गया। इस कैलकुलेशन को दोबारा सुनिएगा। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अमाउंट ऑफ स्टेप। ओरिजिनल नहीं पता थी, अमाउंट ऑफ स्टेप के लिए बताया 10% ऑफ स्टेप हो जाएगा। किसका 10%? क्वेश्चन साइलेंट था, अंडरस्टूड है कि ओरिजिनल का, तो हमने उसे कैलकुलेट किया। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 आ गई। इसका मतलब है कि अगर हम 5,000 से नीचे जाए आज मेरा नेट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। बस मैं इसको वाइंड अप करने वाला हूँ। मुझे शायद आज 5 मिनट ऊपर हो जाए, तो होस्ट प्लीज़ वेट कीजिएगा मुझे कंक्लूड करने तक। जी, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो रिक्वायर्ड है, हमने 10,000 ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर ली, तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन ये बन गया। और उसने कहा कि 5,000 यूनिट्स पे मुझे कॉस्ट बता दें, तो ये 3.2 को 5,000 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि ये 3.2x था। तो मुझे टोटल आंसर बता दें, 3.2 को 5,000 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा, उस आंसर में 10,000 ऐड करके मुझे फाइनल आंसर आप बता दें कि आपकी कितनी कॉस्ट आई। जी बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ। 3.2 को 5,000 से मल्टीप्लाई करें। जी शाबाश, 26,000। तो आंसर जो है वो यहाँ पे, अच्छा आपने, मेरा ख्याल है कि शायद मुझे आंसर ही सही नहीं बताया। लेट मी चेक, 3.2 × 6,000 जब किया तो 19,200 आया, माइनस 50,000 आपने करना है, तो 30,800 आती है। यार ये कॉस्ट आपने मुझे गलत बता दी। मैं तो अज्यूम कर रहा था कि आप लोग सही बता रहे हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम मैं आप पे भरोसा ना करूं। 30,800 आई है ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये 30,800 अब मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी कैलकुलेशन रिवाइज करनी पड़ेगी। 30,800 30,800 30,800 इसको आप 1.1 से जब डिवाइड करेंगे, तो
20,800 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये एक्स का आंसर 28,000 आया। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन जो है वो 28,000 हो जाएगा। 3.2 × 5,000 किया 16,000 बना, और प्लस हमने किया 28,000, आंसर इज 44,000। बच्चों कैलकुलेटर आपको सही चलाना आना चाहिए, वरना फेल होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको कॉन्सेप्ट ना आते हो। फेल होने के लिए इतना भी काफी है कि आपको कैलकुलेटर चलाना ना आता हो। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो। तो अब देखें 44,000 हमने आंसर सेलेक्ट कर लिया ए ऑप्शन। मैं इस सारे सिनेरियो को रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास ऐसे लेवल दिए हुए थे कि जिनमें दो लेवल में स्टेप था, एक में स्टेप नहीं था। अब एक जहन में सवाल आता है कि यार अगर दोनों को लाइक विद लाइक बनाना है तो ऐसा भी तो किया जा सकता था कि जितने से स्टेप हो रहा है ना उसको लेस कर दो। एक बच्चे ने ये कमेंट में लिखा भी है, ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में आया हो कि जितने से स्टेप हो रहा है, मसलन अगर मैंने कहा कि 50,000 के अंदर स्टेप की अमाउंट शामिल है तो इसमें से लेस कर दो। लेकिन भैया लेस करने के लिए मुझे वो अमाउंट पता होनी चाहिए। इस सवाल में वो अमाउंट ही नहीं है। अगर अमाउंट होती तो मैं आपसे एग्रीड हूं कि आप माइनस कर देते तो फिर हाई लो सेम सेम हो जाना था। बेशक 6,000 वाले में से माइनस कर देते, बेशक 7,500 वाले में से माइनस कर देते, कोई मसला नहीं है। आपने उसे सेम बना लिया, लेकिन उसे माइनस करने के लिए वो अमाउंट होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। इसलिए मजबूरी थी कि मुझे वो दो लेवल लेने पड़े जिनमें दोनों सेम थे, तो मैंने वो सेम लेवल लिए। अब अगली गलती स्टूडेंट क्या करता है, अगली गलती ये करता है कि ये जो आंसर आता है ना वो भूल जाता है कि ये कौन सा आंसर है। याद रखिएगा कि अगर आपने डाटा स्टेप के बाद वाला लिया तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है ये स्टेप के बाद वाली है, और अगर डाटा स्टेप से पहले वाला होता तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आती ये स्टेप से पहले आनी थी। तो क्योंकि ये स्टेप के बाद वाली कॉस्ट है तो मुझे जो उसने कॉस्ट फाइंड करने को कहा है वो 5,000 है, और हमें हम सबको पता है कि 5,000 5,500 से छोटा है। इसका मतलब है 5,500 वाले के बाद की कॉस्ट ये है, 5,500 से पहले की कॉस्ट निकालनी है। तो तभी मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ी, मुझे ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी पड़ी। अगर वो मुझे कहता कि मुझे 5,800 की बताओ तो फिर मुझे ये कैलकुलेशन ना करनी पड़ती, मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करता, आंसर निकाल लेता। तो मुझे यहाँ पे ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ी। मैंने ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की, वो इस तरीके से हो गई, 28,000 आया, और उस हिसाब से मैंने फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बना लिया, y इज इक्वल टू 28,000 प्लस 3.2x। तो x की जगह पे 5,000 लिखा, 44 आंसर आ गया। तो इस चीज को कहते हैं जी हाई लो मेथड के अंदर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करना। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लें, बाद में आप इसे जूम करके देख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक पे उसे नीट कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके पेज नंबर 12 पे हैंडआउट्स में मौजूद है जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हुए। तो ये इसका सोल्यूशन है और इसको ध्यान से कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह हाई लो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट की चेंजेस को देखेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने उतना काम करके आना है जितना मैंने आपको कहा है, आगे उतना काम आपने करना है। आगे से पढ़ना कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। आपने पिछला किया हुआ काम हैंडआउट से सारा, ये दो पेजेस ऑलमोस्ट बनते हैं, पेज नंबर 11 और 12, इसको सुकून से पढ़िएगा। इसी तरह ये जो मेरे लेक्चर है जो मैंने आज आपको बताया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्योंकि मैं आपको आखिर पे ऑफर करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ से आज स्टार्ट किया था, तो पहले आप इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लें, इतना, और उसके बाद ये कॉस्ट फोरकास्ट के मॉडल हैं, यस वैसे पेज नंबर 11 पे लिखे भी हुए हैं ये सारे,
और फिर ये हमने हाई लो मेथड के स्टेप्स की कैलकुलेशन की, हमने ये पुराना डाटा ही लिया और फिर इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया। अब मैं लास्ट पे, अब जो रिमेनिंग कोई अगर सवाल है तो वो मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं है, वो आंसर्स ही हैं सारे जो स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे कमेंट नज़र आया है, वो मेरा नंबर चाह रहा है, मैंने नंबर पहले शेयर किया है, आई थिंक उसने क्लास नहीं ली, तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। जी होप सो के अब किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम क्लास को एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।